सीजीएल की परीक्षा को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ है, क्या कुछ जो है सीजीएल की परीक्षा जो है पिछले 2016 की ये वैकेंसी है और इसको लगभग 16 से लेकर आज 2024 तक लगभग 8 साल में 17 बार इसको स्थगित किया गया है और बीच बीच में रद्द भी किया गया और इसका रूटीन जो चेंज किया गया। तो इन 17 साल में ये 17 बार मतलब 8 साल में 17 बार इसमें परिवर्तन आया है और इतना ज़्यादा लेंदी, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है हर चरम पर देखने को मिला। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 6 महीने पहले एक एग्ज़ाम हुआ था और वो 8 घंटा के अंदर ये परीक्षा जो है पेपर लीक हो जाता है और रद्द हो जाता है। तो सरकार जो है उस समय चंपई सोरेन जी की सरकार ने तुरंत SIT गठन करके वो जाँच बैठाती है, लेकिन जांच का उसका रिपोर्ट भी नहीं आता है। रघुवर ये जो हेमंत सोरेन जी की सरकार जो अभी वर्तमान में है उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पूरा आनन फानन में जोर लगाया चुनाव को देखते हुए और इस दरमियान में आपने देखा होगा कि 21 सितंबर से लेकर 22 सितंबर दो दिन इंटरनेट को भी सेवा को बंद कर दिया गया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो ये तरीका अपनाया गया था ये बेबुनियाद साबित हुआ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी पहले ही ऑलरेडी हो चुका था। यानी कि सिर्फ हाथी को जिस तरह से हम कहना चाहते हैं कि पागल हाथी को सामने देख करके आंख बंद कर लेना, उसी तरह से कहावत है कि ये इंटरनेट को बंद कर दिया गया था सरकार द्वारा क्योंकि भ्रष्टाचार तो सामने हूबहू सामने दिखा। आप देख सकते हैं, छोटा सा उदाहरण मैं देखना चाह रहा हूँ। ये 22 तारीख का क्वेश्चन पेपर है जो थर्ड पेपर है, 20 सीरीज का है क्वेश्चन। इसमें आप देखिएगा, ये जनरल स्टडीज का है, इसमें आपका 3 पार्ट 20 या 60 क्वेश्चन को हूबहू रिपीट कर दिया गया है। यह CGL का एग्जाम का पेपर है और जो JSSC का है। अब पहले से SSC द्वारा 2022 में मैथ का जो एग्जाम लिया गया था हूबहू देखिएगा आप 21 से लेकर के देखिए SSC यहाँ से मैथ शुरू होता है 21 से लेकर के 40 के बीच में आपका SSC CGL 2022 का क्वेश्चन हूबहू 40 क्वेश्चन को रिपीटिंग किया गया है, रिपीट कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से एक जगह से रिपीट नहीं हुआ है, आप दूसरा रिपीटिंग यहाँ देख सकते हैं SSC CGL का, SSC CGL 2019 का। यहाँ पे रीजनिंग में भी देखिए 20 का 20 क्वेश्चन को यहाँ से आपका 41 से लेकर के 60 तक का क्वेश्चन में आपको रिपीटिंग किया गया है। इसी तरह से तीसरा पार्ट आप लगातार सीरियल वाइज आप देखिएगा, तीसरा ये 40 क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसके बाद आप देखिए 20 क्वेश्चन IBPS RRC 2023 का जो क्वेश्चन है ये है कंप्यूटर का, इसमें भी 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन को भी यहाँ पूरी तरह से रिपीट कर दिया गया है। यानी 60 क्वेश्चन एक प्रश्न पत्र में 60 क्वेश्चन को रिपीट किया, मतलब ये एक नया तरीका से भ्रष्टाचार करने का यहाँ पर काम किया गया है। और हर बार JPSC हो या JSSC हो भ्रष्टाचार का नया नया तरीका अपनाती है और ये एक नया तरीका है और ये सिर्फ एक पेपर का ये कहानी है और 22 तारीख का है। 21 तारीख का भी बहुत सारा फॉल्ट पाया गया है जो कि धीरे धीरे ये सामने आ रहा है। इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो है इसको तत्काल ये परीक्षा को स्थगित करें, रद्द करें और ये जो रिजल्ट देना चाह रही है उसको इसमें जो एग्ज़ाम ली है वो आयोग को अयोग्य घोषित करें, JSSC को पूरा आयोग को ही भंग कर दिया जाए और ये तमाम परीक्षाएं जो है UPSC द्वारा या SSC द्वारा जो है ये केंद्र लेवल में एग्ज़ाम को लिया जाए और नहीं तो ये तमाम इन लोग पर कार्रवाई किया जाए जो इसमें दोषी पाए जाएंगे। दूसरी बात ये कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, यही कंपनी द्वारा पिछले 6 महीना में पहले एग्ज़ाम ली थी, हम लोग बार बार कह रहे थे कि कम से कम कंपनी का जो एग्ज़ाम ले रही है उस कंपनी को बदला जाए, लेकिन उसको भी नहीं बदला गया था। ये घोर लापरवाही है और झारखंड के स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आज नहीं ये पिछले 8-9 साल से हो रहा है और तमाम परीक्षाओं में इसी तरह से गड़बड़ी होती है। मैं सिर्फ हेमंत सोरेन की ये गड़बड़ी नहीं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पिछले 2015-16 का वैकेंसी है तो रघुवर दास ने भी ये नाकामी सिद्ध हुआ था एग्ज़ाम लेने में और वही गड़बड़ी यहाँ भी दोहराया गया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये व्यवस्था बदलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जो इन लोग को हम लोग बार बार बना देते हैं, चुनाव देखिएगा कि समय पर हो जाता है लेकिन एग्ज़ाम जो है समय पर नहीं हो पाता है। आपका चुनाव जैसे ही होता है 3 दिन के बाद देखिएगा उसका रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन इसमें विज्ञापन आने के कितना दिन लग जाता है, 9 साल 10 साल 17 साल 17 बार इसका स्थगित किया गया है, तो बहुत ही निंदनीय है, ये काला दिन है। मुख्यमंत्री वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी हैं,
इनको तो मैं कहूंगा कि यदि उनके पास थोड़ी सी भी जमीर जिंदा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उन्होंने दो दिन इंटरनेट बंद करके भी ये भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए हैं। तो ये सारा का सारा जिम्मेवारी मैं उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि चुनाव में मैं आऊँगा, मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। लेकिन आपने जो भी काम किया है ये नाकामी सिद्ध हुआ है, और इसलिए आपको अपना जो है नैतिक दायित्व लेते हुए आपको अपने सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि हम इंटरनेट बंद करके पूरी तरह से साफ सुथरा एग्जाम लिए हैं, बच्चा लोग झूठ मुक्ता या बीजेपी या कोई ऐसा पार्टी है जो उनको तंग करने का कोशिश कर रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, लेकिन आपका जो है वो कंपनी कोशिश नहीं की, जिस कंपनी ने ये परीक्षा को सेट किया क्वेश्चन को, आप बताइए 60 क्वेश्चन कहीं से रिपीट कर दिए, आप 60 क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाते हैं। एक स्टूडेंट को, एक मुझे यदि दे दिया जाता तो मैं एक कोचिंग वाले को दे दिया जाता तो वो क्वेश्चन को सेट कर सकता था। तो आपका कैसा विशेषज्ञ है, वो आपका सारा सिस्टम फेल है अंदर से। आपने कोशिश किया लेकिन ऊपर ऊपर कोशिश किया, आपके अंदर में आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? अभी जो आप देख रहे हैं, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, जो ये कंपनी है और जो JSSC के द्वारा जो सीट पे बैठे हुए हैं जो ऑफिसर, इसको वो लोगों ने जांच क्यों नहीं किया कि ये क्वेश्चन कहाँ से रिपीट करके कहाँ से दिया जा रहा है? तो इसको जांच करें सरकार, ये जो बोल रही है सिर्फ राजनीति ना करें। और विशेष करके मैं कहूँगा कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, कुछ छात्र जो हैं और कुछ छात्र नेता हैं या कुछ यूट्यूबर हैं जो बीजेपी का एजेंडा को चलाते हैं और सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो मैं उसमें से भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पारदर्शी हो, चाहे बीजेपी हो या JMM हो या कांग्रेस हो या आसू हो, सबने झारखंड को बारी बारी से लूटा है और इसी तरह से झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। तो सब दोषी है, बराबर दोषी है, और इसके लिए एक विकल्प चुनना होगा। और झारखंड निर्माता इसका एक विकल्प बन सकते हैं सूर्य सिंह बेसरा, जिन्होंने 10 राजनीतिक पार्टियों को ये एक करके आगे लाए हैं और एकजुट कर रहे हैं। तो उनको एक मौका दे, क्योंकि उनकी पार्टी बहुत जल्द यहाँ पर सामने आने वाली है। ये हुआ एक बात। दूसरी बात तो मैं कहूंगा सबसे पहले कि इसे जो है तत्काल वापस ले सरकार। अच्छा, ये 60 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये महज इत्तेफाक लग रहा है कि प्री प्लानिंग इस तरह की चीजें? बिल्कुल, ये प्री प्लानिंग है। 60 क्वेश्चन, और एक मान लीजिए JPSC में इससे पहले भी एक एग्जाम हुआ था इंटर लेवल का, तो JSSC द्वारा क्या किया गया था कि रिपीट हुआ था 5-6 क्वेश्चन, तो उन्होंने अपना विज्ञापन निकाल करके उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को रद्द कर दिया था। तो ये एक साजिश के तहत, ये नया तरीके का भ्रष्टाचार करने का ये साजिश और षड्यंत्र रचा गया है। इसमें क्या किया गया होगा, जो बच्चे जो है सेटिंग किए हुए हैं तो उनको बोला गया होगा कि आप जो है 2022 का, 2019 का और 2023 का क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। तो ये नया तरीका है भ्रष्टाचार करने का मेरा ख्याल से। शुक्रिया। क्या चाहते हैं भैया? बिल्कुल चाहते हैं कि परीक्षा पारदर्शी हो, पहले तो ये रद्द हो, और इस पर जो एग्जाम लिया है उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करे, और उन तमाम लोगों को जिस तरह से प्रावधान है 10 साल का सजा उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होती है, सजा भी नहीं होता है, रद्द भी नहीं होती है, तो क्या कुछ है? बस हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन को ले जाएंगे। अभी हम लोग इसको मुकदमा, इसको केस भी करने वाले हैं बहुत जल्द, और जितने भी पीड़ित छात्र हैं, 6 लाख लगभग एग्जाम दिए हैं, मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और अपना जितना भी प्रमाण है, सबूत है, और हमारे पास जितने सबूत हैं उसको लेकर हम लोग बहुत जल्द इसमें केस करने वाले हैं। तो आप लोग भी आगे आइए, और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और घोषणा करने वाले हैं कि बहुत जल्द सड़क पर उतर करके हम लोग आंदोलन करेंगे, और बापू पाटिका से यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनशन भी 2 अक्टूबर से करने वाले हैं। शुक्रिया।